आपकी बात समझ आ गई। ऐसा लोगों का कहना है, लेकिन कितनी देर पहले एक्सीडेंट हुआ? ये कोई आधा घंटा 10-15 मिनट। टैंकर वाले ने हिट किया? नहीं सर, ये हम नहीं बता सकते किसे हिट किया, क्योंकि चश्मदीद हम भी नहीं है। हम भी आए, हमने जब देखा फ्लड तो हमने दौड़ के, लेकिन ऐसे मैं बता रहा हूँ ये जो मतलब मसला जो भी हुआ एक्सीडेंट हुआ, ये 100% यही कारण है इसका। क्योंकि हम जब भी यहाँ पर आते हैं सामान लेने, पीछे सामान होता है हमारी स्कूटी के, हम देखते हैं आगे की ट्रैफिक में कोई आ तो नहीं रहा, धड़ाम से हमारी स्कूटी कई बार यहाँ पर हिट होती है। बारिश का जो है वो भी बड़ी बार एक्सीडेंट का कारण बनता है। आज शायद वो कारण बना या नहीं बना ये अलग बात है, लेकिन कितना देखते हो जब इस तरीके से लापरवाही प्रशासन की नजर आती है और वैसे एक कीमती जान चली जाती है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आज वेयर हाउस के अंदर ही एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, और मैं समझता हूँ भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और घर वालों को सहने की शक्ति दे। और मैं समझता हूँ बड़ा दुख भरी बात है कि ऑन स्पॉट जो बंदा डेथ हुआ है। हमने बार बार ये कंसर्निंग जो खड्डा है इसके लिए म्यूनसिपैलिटी कमिश्नर और GNC से हमने बार बार बात की है, लेकिन वही बात है कि इनका जो काम है डिले ही रहता है। आपने देखा होगा जब अमरनाथ यात्रा शुरू होनी थी, फ्लैग टॉपिंग की बात थी तो हमने बड़ी बात की, लेकिन जब अमरनाथ यात्रा शुरू हुई तो रातों रात जो है काम जो है यहाँ कराया गया। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आज ये इंसिडेंट हुआ उस खड्डे के कारण, होना नहीं चाहिए था। अगर GNC डिपार्टमेंट ने इस खड्डे को पूरा तैयार किया होता शायद ये बंदा जो है बच सकता था, लेकिन आज इसका हादसा जो है इस खड्डे की वजह से हुआ है। आपको लगता है